बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध एडमिन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि एसएससी जनरल का पेपर आज हो चुका है, दो पेपर जो है मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, तो हमने इस वीडियो में मॉर्निंग वाला जो पेपर है उसका इंग्लिश और पाकिस्तान हिस्ट्री का सेक्शन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इस्लामियात और सिविक्स को सॉल्व कर चुके हैं, तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हम इस पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जितने भी पेपर्स हैं उनके वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे और उनके आपको की मेकिंग में हेल्प आउट हो जाएगा। तो ये पेपर नंबर डी है जिसको हमने सॉल्व किया है। चलिए हम अभी पेपर को स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द डेनिग्रेट इज बिलिटल समवन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैक्ट कांग्रेस लीग पैक्ट वॉज साइंड इन 1916 जो था लखनऊ पैक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। द ट्रेवलर इंक्वायर टू द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन द। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर फॉर रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द एरा ऑफ मुगल किंग अकबर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शेख अब्दुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ ईडियम और फ्रेज टू एंड द इन स्मोक। तो इसका राइट आंसर है टू रून वन सेल्फ। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स्ड अवध। तो अवध को उन्होंने जो है 1856 में एनेक्स किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्पेल वर्ड। तो रॉन्ग स्पेल वर्ड में ऑप्शन नंबर बी बनेगा फॉर्मिडेबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन शी वॉज द ऑथर ऑफ द मैनी बुक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एंशंट इजिप्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइजी मूवमेंट स्टार्टेड इन ईस्ट बंगाल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड इसका राइट आंसर है एक्साइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कायदे आज़म क्वालिफाइड द बार फ्राम द लिंकन्स इन। तो राइट आंसर है 1894। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर स्मार्टर देन दोज इन द अदर स्कूल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंबरशिप इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये सेनेट की सीटें जो हैं पार्टी बुनियाद पर तकसीम होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही बनेगा जो कि सही नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प वॉज इशूड ऑन ईयर डैश। तो ये था 8 जुलाई 1948। ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश रूल डायरेक्टली इंडिया फॉर 90 ईयर्स 1857 से 1947 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड बाय बस। ऑप्शन नंबर बी सही बनेगा। द रियल नेम ऑफ तीतोमीर इज तीतोमीर का जो नाम था वो था मीर निसार अली। नेक्स्ट क्वेश्चन कायद आजम वाज इलेक्टेड द मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1912 था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड। तो ये स्टार्ट हुई थी 10 मार्च 1857 को। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आई फॉरगेट माय फोन इसका राइट आंसर बनेगा ऑन द बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेज टू कैच द टार्टर इसका राइट आंसर बनेगा टू डील विद द पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन सिंध मुस्लिम लीग 18 अक्टूबर 1916 को कायम हुई थी। नेक्स्ट सिनोनिम है सिनोनिम ऑफ द वर्ड एस्पिरेटरी इज हार्शनेस ऑफ टोन और मैनर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स्ड विच पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की बैटल के बाद उन्होंने बंगाल को पे कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली जो राइश खाना शुमारी हुई थी वो 1881 में हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच द पुलिसमैन सेड टू द वायलेंट क्राउड स्टॉप ऑल दिस और यू विल बी अरेस्टेड। तो इसको राइट आंसर बनेगा द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द वायलेंट क्राउड टू स्टॉप इट ऑल दैट और दे वुड बी अरेस्टेड। तो ऑप्शन नंबर यहां पे बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1885 बाय ए ई ह्यूम। उसके बाद सिनोनिम ऑफ द वर्ड इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन सिन ऑफ द सर्टेन काइंड ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आज वाले मॉर्निंग के पेपर की जो सिंधी और उर्दू सेक्शन हैं उसको सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।